23 जून को अमरवाड़ा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पौधारोपण कर किया एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ। सभी से पेड़ लगाने की अपील। जिले के नव निर्वाचित सांसद बंटी विवेक साहू ने छिंदवाड़ा सांसद के रूप में ली दिल्ली में शपथ। वीडियो संदेश जारी कर जताया जिले की जनता का आभार। बड़ा इमामबाड़ा क्षेत्र में सामने आया 3 तलाक का मामला। मुस्लिम महिला ने पति सास व नंद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट कराई दर्ज। और मटन मार्केट क्षेत्र में फैले अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा। नगर निगम राजस्व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने हटाया अतिक्रमण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। 23 जून को अमरवाड़ा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम लगाने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माँ की जय जी। भारतीय जनता पार्टी। भारत माँ की जय जी। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। पीडी भाई साहब आ गए अपने। हम तुम्हारे साथ हैं। 24 जून को छिंदवाड़ा जिले के नव निर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू दिल्ली में अपने पद की शपथ ग्रहण करने पहुंचे हैं। इसके पूर्व उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर जिले की जनता का सहयोग के लिए आभार जताया और कहा कि आगे भी आपका प्यार और सहयोग मुझे मिलता रहे। नमस्कार, छिंदवाड़े के समस्त देवतुल्य मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी माता एवं बहनों, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपके प्रतिनिधि के रूप में आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा आज संसद में छिंदवाड़े के सांसद के रूप में शपथ लेगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप सभी ने आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने साथ दिया। आज इस अवसर पर यही आप सबसे विनती करता हूँ कि आपका साथ, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग बना रहे और इसी तरीके से हम लोग छिंदवाड़े को आगे लेकर के जाएं। जिस तरीके से आपने आशीर्वाद दिया, आपने सहयोग दिया, साथ दिया, मैं चाहता हूं कि जो अपेक्षाएं आपकी है उन अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। इसके लिए आपके साथ की आवश्यकता है। आज मैं संसद में सांसद के रूप में शपथ लेने जा रहा हूं। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका प्यार बना रहे। आपका बेटा, आपका भाई बंटी साहब। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो ऐतिहासिक पल जब छिंदवाड़ा की माटी के लाल बंटी विवेक साहू ने छिंदवाड़ा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण की। श्री बंटी विवेक साहू। मैं बंटी विवेक साहू, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता की जय। श्री दर्शन सिंह चौधरी। बड़ा इमामबाड़ा क्षेत्र की एक मुस्लिम महिला ने 23 जून को सिटी कोतवाली पहुंचकर ससुराल वालों पर मानसिक व शारीरिक रूप से
प्रताड़ित करने के साथ दहेज के लिए प्रताड़ित करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सिटी कोतवाली टीआई उमेश गोलानी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि महिला द्वारा अपने पति, सास व ननद के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि महिला द्वारा चुनाव के दौरान किसी पार्टी के प्रचार को लेकर भी पति नाराज था, जिसके कारण उसने महिला को 3 तलाक दे दिया। सिटी कोतवाली पुलिस ने महिला की शिकायत पर ससुराल पक्ष पर धारा 498A, 294, 34 दहेज प्रताड़ना का मामला पंजीकृत किया है। ये कल दिनांक 23/6/2024 को पीड़िता है 25 वर्षीय और इनके द्वारा आने के लिए शिकायत दी गई थी कि इनकी शादी लगभग 7 वर्ष पहले हुई थी और इनका एक बेटा भी। शादी के बाद से ससुराल वाले इनके पति और इनकी नंद और सासू माँ वगैरह किसी न किसी बात पे ताने मारती थी और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। इसके अलावा दहेज की भी मांग की गई। बीच में ज़्यादा प्रताड़ना देकर जो है पति ने तलाक भी दिया और यह जो है इसको घर से भगा दिया था। जब यह अकेले रह रही थी तो इसने एक जो है पार्टी में काम किया, जिससे और ज़्यादा वो नाराज हो गए और फिर इसको 3 तलाक उन्होंने दे दिया और काफ़ी गाली गलौज करके धमकियाँ भी दी, जिससे वह आहत हो गए और थाने में रिपोर्ट करने आए। रिपोर्ट पर हमने जो है इनके पति आसिफ मंसूरी और सास कमरुन निशा और जो पीड़िता की नंद थी अख्तर जहां, आसिफा मंसूरी, परवीन मंसूरी और किशोर मंसूरी, तो इनके विरुद्ध जो है हमने 498A, 294/34 IPC का तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम और 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत पंजीबद्ध किया है। संभवतः ये 3 तलाक के विरुद्ध है। यह हमारे थाने का यह दूसरा प्रकरण है और इस तरीके से तलाक देना भी गलत है और इस पे जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। सर, मामला किस क्षेत्र का है? मामला यह जो है बड़ा इमामवाड़ा छिंदवाड़ा में पीड़िता रहती है, वहीं पर उसके साथ। 23 जून की शाम नगर निगम, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मटन मार्केट क्षेत्र में आने जाने वाले रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में मटन चिकन का व्यापार करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि पहले भी प्रशासन द्वारा कई बार इन व्यापारियों को अतिक्रमण हटाकर समझाइश दी जा चुकी है, पर व्यापारियों द्वारा कुछ दिनों के बाद फिर से वही स्थिति निर्मित कर दी जाती है, जिससे क्षेत्र में आवागमन तो बाधित होता ही है, पैदल आने जाने वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान SDM सुधीर जैन, नगर निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय, कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोलानी, कुंडीपुरा थाना प्रभारी मनोज बघेल समेत समस्त स्टाफ मौजूद रहा। Okay.
सर ये कार्रवाई की जा रही है सर, ये कार्रवाई कब तक चलेगी और किस चीज की कार्रवाई की जा रही है? राजकाकी क्षेत्र में मटन मार्केट है, मटन मार्केट के व्यवसाय करने वालों को अनेक बार हिदायत दी गई, खुले में मांस का विक्रय ना करें, ढक करके विक्रय करें, पर्दे के अंदर करें। अनेक बार हिदायत देने के बावजूद भी दुकानदारों द्वारा जो है हम प्रशासन की बात नहीं मानी जा रही, और आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं आयुक्त नगर निगम पुलिस प्रशासन के साथ में। यहाँ पर सड़क के किनारे अतिक्रमण लगा करके दुकानें बनाई गई थी, खुले में विक्रय किया जा रहा था, इसलिए यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर व्यापारी के लिए कहीं दुकान निर्मित की गई सर? व्यवस्थापन पर निगम कमिश्नर से चर्चा हुई है, दुकानदारों को व्यवस्थापन पर भी विचार किया जा रहा है। सर इनको शहर के बाहर कहीं गई? शहर के बाहर उपयुक्त शासकीय जगह ढूंढी जा रही है, जहाँ पर मास्क का विक्रय करने वाले लोगों को। गल्ला बाजार यानी इतवारी बाजार में भी अतिक्रमण की समस्या एक बार फिर अपने पैर पसार चुकी है। यहां दुकानदारों ने अपनी दुकान से बाहर रोड तक अतिक्रमण फैला लिया है, जिससे आने जाने वालों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आए दिन यहां पर जाम लगने की समस्या बनी रहती है। कुछ समय पहले भी प्रशासन द्वारा यहां से दुकानदारों का अतिक्रमण हटाकर अपनी हद में सामान रखने की हिदायत दी गई थी, पर अब यहां फिर पहले जैसे हालात बन गए हैं। देखना होगा नगर निगम व राजस्व विभाग की टीम कब तक इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करेगा। खबरों वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर खजरी रोड स्थित उनकी प्रतिमा का दूध से अभिषेक किया गया। साथ ही वीरांगना रानी दुर्गावती की गौरव गाथा को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले, बलराम सिंह चौहान, हेमंत राजपूत, शेषराव उइके, मुन्ना ध्रुवे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में हेमंत सिंह राजपूत जी और शेषराव जी उइके जो यहाँ के हमारे स्तंभ हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा का दूध से बढ़ाया गया, साफ किया गया और उसके बाद माला अर्पण कर उनकी पूजा की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों ने रानी दुर्गावती जी की बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, और सभी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि रानी दुर्गावती जी के सिद्धांतों पर उनके रास्ते पर चलें तो निश्चित जीवन अवश्य रूप से सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 23 जून को छिंदवाड़ा पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद VD शर्मा का चार फाटक के समीप भाजपा नगर मंडल द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने श्री संतोषी माता मंदिर में पूजन अर्चन भी किया। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू व भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव का भी
नगर मंडल 2 द्वारा स्वागत किया गया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने श्री संतोषी माता मंदिर चार फाटक पहुंचकर मां दुर्गा का दर्शन कर पूजन अर्चन किया। मंदिर आगमन पर भाजपा नगर अध्यक्ष अंकुर शुक्ला एवं साथियों द्वारा हरा भरा छिंदवाड़ा के अंतर्गत पौधा भेंट कर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का आभार व्यक्त किया गया। स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से भाजपा नगर अध्यक्ष अंकुर शुक्ला के साथ क्षेत्रीय पार्षद बलराम साहू, रंगू यादव, राहुल उइके, अमित माहौरे, अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला, गांधीगंज व्यापारी मंडल के अशोक संचेती सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। संत पुजारी संघ द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सियूनी में हुए गौवंश हत्याकांड को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया गया। साथ ही दोषियों पर शीघ्र अतिशीघ्र कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। आज मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ की ओर से सियूनी में जो 20 तारीख को गौ हत्या की गई उसके विरोध में हम प्रशासन से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसे हत्यारों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए एवं गौ माताओं को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और उसके लिए कड़ा कानून बनाया जाए। आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ ने एकत्रित होकर सारे पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है और ये ज्ञापन जो है सिवनी में विगत कुछ दिन पहले गौ हत्या को लेकर जो एक कृत्य किया गया है उसके संबंध में ये ज्ञापन है और हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री महोदय जी से, कलेक्टर माननीय कलेक्टर साहब द्वारा हमने ज्ञापन सौंप कर ये प्रार्थना करने का प्रयास किया है कि जो गौ हत्या के संबंध में कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए और गौ माता की हत्याएं जो एक निर्मम हत्याएं की जा रही हैं उस पर कड़ी से कड़ी पाबंदी लगाई जाए। इस संदर्भ में हम लोगों ने ज्ञापन सौंप रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि गौ माता को ऐसा राष्ट्रीय कुछ गौ माता या फिर राष्ट्रीय कुछ पशु ऐसे दिया जाए ताकि गौ माता की हत्याएं को पर पूर्णतः रोक लग सके। ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। जय भारत, जय हिंद। मैं पंडित मनीष तिवारी, महाकौशल प्रभारी, मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ। प्रत्येक सोमवार की तरह आज कलेक्टर कार्यालय स्थित सभाकक्ष में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के द्वारा सभी विभागों के अंतर्गत जारी कार्यों की समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई। इस दौरान कलेक्टर सभाकक्ष में सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने जिले भर के अधिकारियों से विभिन्न कार्यों व सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। एक है आशा खुल गए आपराधिक षड्यंत्र करने वाला, दूसरे है जेठू राजस्व की लगाते। सूची आपके पास भेज दी गई है, इन्होंने जो ग्रुप में शेयर की हुई है। तहसीलदार मोखेड़ एक है, तो आपके आयोग की शिकायत क्या है? एक महिला आयोग की भी है। तरीके से अनुराग अधिकारी छिंदवाड़ा के चार कमिश्नर साहब के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अनुराग महिला आयोग के चार 23 सबसे ज्यादा है। चौरी आपके 24 पेंडिंग इस तरह से विभिन्न आयोगों से। 24 में से 10 कहाँ आ गए? अभी ये आए नहीं है, आप चेक कराइए दोबारा से। अगर भेज दिए हैं तो उसकी कॉपी भेजिए। अगर यही 24 है इसमें से आप बता पाओगे कौन कौन से भेज दिए? अनुपम गढ़ेवाल, जमील, अब्दुल रशीद, धीरेन्द्र कुमार। खजरी रोड स्थित एकलव्य कॉलोनी में आज आंचलिक साहित्यकार परिषद की काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें पंडित शंकरलाल शर्मा मुख्य अतिथि रहे। आंचलिक साहित्यकार परिषद की काव्य गोष्ठी में वरिष्ठ कवि नंद कुमार दीक्षित, कवि रत्नाकर रतन ने आपसी अविश्वास पर करारा प्रहार, कुछ भी तेरे पास नहीं है, मुट्ठी भर विश्वास नहीं है कहकर किया। काव्य गोष्ठी अध्यक्ष प्रोफेसर अमर सिंह, कवित्री श्रीमती सविता श्रीवास्तव, युवा कवि प्रत्युष जैन, कवि राजेंद्र यादव, कवि अशोक जैन, प्रसिद्ध कवि ओम प्रकाश नयन, श्रीमती प्रीति जैन शक्रवार, कवित्री श्रीमती मोहिता मुकेश कामलेंदु, काव्य गोष्ठी की प्रमुख आयोजिका कवित्री श्रीमती शरद मिश्रा, कवि रामलाल सराठे, कवित्री श्रीमती अनुराधा तिवारी, मशहूर नाट्यकर्मी विजय आनंद दुबे ने वंदे मातरम पर कविता से, अनिल आसोलकर ने आध्यात्मिक रिक्तता, निर्मल प्रसाद विश्वकर्मा ने अपने भजन से और रूबल मिश्रा ने प्रेरक प्रसंगों से खुद की खोज करने को
काव्य का विषय बनाने पर अपनी कविताएं पढ़ी। काव्य गोष्ठी में अनु शर्मा, दीप्ति पाठक, सुनीता शुक्ला, कविता माहौरे, मुकेश मिश्रा, संजय शर्मा और विशंभर नाथ शुक्ला की गरिमामय उपस्थिति रही। पंचतत्व का भूतला सबका तुझमें दान, ज्ञात में अज्ञात में फूके हैं प्राण। हमारे अंदर कोई प्राण फूक के चला गया और हम जीवित हैं और 70-80 साल तक जीवित रहते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। तो मैं बात करता हूं पंचतत्व। अब न रुकेंगे चाहे जो भी हो अंजाम, न रुकेंगे चाहे जो भी हो अंजाम, देश की रक्षा मजहब मेरा सीमा मेरा धाम, देश की रक्षा मजहब मेरा सीमा मेरा धाम, जय भारती सीमा भारती। मैं अपनी तरफ से आज कुछ नहीं कहने वाला, मैं सिर्फ आपने जो कहा है मैंने उसको किस तरह से सुना है और उस आपने जो कहा है उसकी खूबसूरती क्या है वो आपको बताना चाहता हूँ। किसी भी साहित्य कुछ भी तेरे पास नहीं है, मुट्ठी भर विश्वास नहीं है, अरे ये जीवन क्या जीवन है जिसका कोई इतिहास नहीं है। क्या बात है। बचाना तुम्हें याद था माँ की असमत, बचाना तुम्हें याद था, काल से गांठ जोड़े कहाँ चल दिए, कहाँ चल दिए, सींच कर अपने खून से, सींच कर अपने खून से खिलाया चमन। जैसे जो पति के तुम खीर को बढ़ाए हो, जैसे भक्त प्रहलाद की जान को बचाए ना, जैसे तुम गज और ग्राह को बचाए हो, हमारी भी केर सुन लो अब दीनानाथ, नहीं तो दीन बंधु दीनानाथ काहे को कहाए हो। क्या बात है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 23 जून को अमरवाड़ा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पौधारोपण कर किया एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ, सभी से पेड़ लगाने की अपील। जिले के नव निर्वाचित सांसद बंटी विवेक साहू ने छिंदवाड़ा सांसद के रूप में ली दिल्ली में शपथ, वीडियो संदेश जारी कर जताया जिले की जनता का आभार। बड़ा इमामबाड़ा क्षेत्र में सामने आया तीन तलाक का मामला, मुस्लिम महिला ने पति सास व नंद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट कराई दर्ज। और मटर मार्केट क्षेत्र में फैले अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा, नगर निगम राजस्व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने हटाया अतिक्रमण। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही, नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।